हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड डिजाइंस। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल नेक डिजाइन जिसे हम इस ट्रायंगल्स के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐसे अपना ये नेक कट करके इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच भी कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये कितना चौड़ा और कितना डीप लिया है नेक। तो मैं ये जो डिजाइन रेडी करने जा रही हूँ वो मैं शॉर्ट राउंड नेक पे डिजाइन रेडी करूंगी। आप चाहो तो इसको बोट नेक पे भी रेडी कर सकते हो, नॉर्मल राउंड नेक पे भी रेडी कर सकते हो, स्वीट हार्ट पे भी, किसी भी नेक पे आप इसको रेडी कर सकते हो। मैं शॉर्ट राउंड पे इसको रेडी करूंगी नेक को। तो सबसे पहले मैंने ये ऐसे 7.5 इंच ब्रॉड नेक लिया है और डीप जो लिया है वो मैंने इस तरीके से लगभग 5 इंच के करीब मैंने डीप भी लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल हमने नेक पे लगाने हैं, ये गुम लगाने हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी ये ट्रायंगल कैसे बनता है। तो ऐसे सबसे पहले मैंने स्क्वायर में पीस कट कर लिया है। जितना भी आपने चौड़ा लेना है उतना ही लंबा भी लेना है। अगर 2.5 इंच आपने चौड़ा लिया है तो 2.5 इंच ही लंबा लेना है। स्क्वायर में पीसेस कट करने हैं फैब्रिक के। आप जो भी कंट्रास्टेड फैब्रिक यूज करना चाहते हो अपनी कुर्ती पे, उस कलर के कट कर सकते हो पीसेस ऐसे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे और उसके बाद ऐसे करेंगे। तो जब हम इसको ऐसे डबल बार दोबारा ऐसे करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे रेडी आ जाएगा इस तरीके से। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और जब हम इसको प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास ये ऐसे कुछ आ जाएगा रेडी होके। प्रेस होने के बाद अच्छे से आपने इसको हीट पे प्रेस करके ऐसे बिठा लेना है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हमने ये जो ट्रायंगल्स है अपने नेक पे हमने गुम स्टिच करने हैं। तो गुम स्टिच करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है, ये देखिए आपको दिखाई भी दे रही होगी। इस तरफ से हमने जो ट्रायंगल लगाने हैं वो इस साइड पे लगाने हैं, इस साइड पे नहीं, इस साइड पे लगाएंगे हम ट्रायंगल और बुकरम वाली साइड की तरफ मुंह करके। इस तरीके से हमें ट्रायंगल को रखना है और अपनी उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे जो हमने बुकरम के साथ साथ लगाई है। तो ऐसे मैंने कितने सारे ट्रायंगल्स बना लिए हैं अपने नेक के अकॉर्डिंग, आप भी बना लीजिए जितने भी आपको चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टिच करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में स्टिच कर लेते हैं। जितना भी आपने ट्रायंगल के बीच में गैप देना, ऐसे क्या होगा आपका ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल आएगा नेक के ऊपर। तो ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ा के हमने ट्रायंगल को स्टिच करना है। तो ऐसे देखिए मैंने अपने ट्रायंगल्स को एक लेयर में स्टिच कर लिया है। तो एक तरह की ये हैंडमेड हमारी ये लेस रेडी हो गई है ट्रायंगल वाली। तो इसको अब हम अपने नेक पे स्टिच करते हैं, इस तरफ हम रखेंगे। तो ऐसे अब हम अपने ट्रायंगल्स को इस तरीके से बुकरम वाली साइड की तरफ रखेंगे। और जितने भी आपने ट्रायंगल दिखाना चाहते हो, जितनी भी इसकी लेंथ दिखाना चाहते हो, उतनी ही आप बुकरम के ऊपर रखें और उसी सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई चलाएंगे जो हमने बुकरम के साथ साथ चलाई थी, इस तरीके से रखते हुए ट्रायंगल्स को। तो ऐसे हमने अपने ट्रायंगल रखते हुए उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे जो हमने बुकरम के साथ साथ लगाई थी सिलाई। तो आप इसको धीरे धीरे लगाएं, आप चाहो तो इसको रफ स्टिच से भी स्टिच कर सकते हो एक बार, क्योंकि बाद में जब हमने इसको कुर्ती पे रख के स्टिच करना है तो ये सिलाई पक्की हो ही जाएगी। तो ऐसे देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको अपने नेक पे स्टिच कर लिया और कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है। तो अभी जब हम इसको कुर्ती पे लगाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा हमारा ये नेक बना हुआ। तो अभी आपको मैं कुर्ती भी दिखाती हूँ अपनी। तो ये है, ये मेरी विंटर्स की कुर्ती है। तो मैं विंटर्स की कुर्ती पे ये वाला डिजाइन बना रही हूँ। आप चाहो तो समर की कुर्ती पे भी बना सकते हो। इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। ये लाइनिंग वाली कुर्ती है, लाइनिंग भी स्टिच कर ली है मैंने इसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे अपने नेक को रखते हुए अपनी कुर्ती के ऊपर सबसे पहले करेंगे इसमें रफ स्टिच लगा देंगे, उसके बाद बिल्कुल किनारी की सिलाई बुकरम के साथ साथ। तो ऐसे हमने सबसे पहले रफ स्टिच करनी है बिल्कुल सेंटर में, अपने नेक और कुर्ती का सेंटर आप मिलाते हुए इसको रफ स्टिच कीजिए और उसके बाद बिल्कुल बुकरम के साथ साथ किनारी की सिलाई के साथ इसको हम स्टिच कर लेंगे अपनी कुर्ती के ऊपर। तो ऐसे हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे। तो ऐसे एक एक दो दो पैर का मार्जिन लेते हुए आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें बीच में से। तो ऐसे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच में से कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे ना फैब्रिक जो है वो मोटा हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल्स वाला फैब्रिक भी हमारा बीच में ही आ जाता है, इसलिए आप इसको कट आराम से लगाएं, आपकी सिलाई ना कटने पाए। तो ऐसे मैंने अपने नेक में कट्स भी लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक को इस तरीके से उल्टी साइड की तरफ पलट देंगे और जो ट्रायंगल्स हैं हमारे वो इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएंगे। आराम से पलटिए आप इसको। तो देखिए पलटने के बाद हमारा ये नेक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे खींच के यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल किनारे की नहीं, एक एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ, इससे ज्यादा फिनिशिंग आएगी हमारे नेक में। आप चाहो तो किनारे की सिलाई भी लगा सकते हो। तो ऐसे हमारा बहुत ही आसान और ब्यूटीफुल नेक बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे देखिए मैंने बाहर वाली सिलाई भी लगा ली है। मैंने ये जो सिलाई लगाई है एक पैर का गैप लेते हुए लगाई है, आप चाहो तो किनारे की सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन एक पैर से क्या होता है इसमें और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये नेक बना हुआ। तो मैंने ब्लू कलर के ट्रायंगल्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि ब्लू कलर की हमारे पास इसकी सलवार है। तो अभी मैं आपको इसकी कुर्ती पूरी रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल ट्रायंगल के साथ साथ और कुर्ती के नेक के नीचे भी बटन्स लगाए हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही अपनी कुर्ती रेडी कर सकते हो डिजाइनर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रीड डिजाइंस। थैंक यू।